तक 3.5-4 लाख रुपए मोटिवेशन पे कर दिए यूज। जो ये वाले अलॉयज हैं, मेरे को ये अलॉयज बहुत अच्छे लगे आपके। 22 इंच इस गाड़ी में बहुत रेयर है। रेयर इसलिए क्योंकि इसका जो आगे सस्पेंशन सिस्टम है ना, उसको हम ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं कर सकते। ये मैंने 1.5 इंच उठवाई हुई है विद रबड़ वाले हमारे स्पेसर्स होते हैं उससे मैं। ये न्यू अलॉयज 2.5 लाख रुपये के हैं। सो गैस, क्या हाल चाल सबका? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है यमुनानगर से, कोई सुबह के बज रहे हैं 12 एंड आज हम करेंगे ये वाली स्कॉर्पियो का। ये है ओल्ड मॉडल 2009, इसमें 22 इंचीज व्हील लगाए हैं हमने एंड हम इसका पूरा ऑनरशिप व्यू लेंगे। अभी भाई को बुलाते हैं। भाई तो वैसे मेरा वो ख़ास है बहुत, एंड भाई ने भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मॉडिफिकेशन कराई इस पर, एंड भाई को बुलाते हैं, इसका करते हैं रिव्यू। सो शिवांश भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। और व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हो? व्यूअर्स को ये बोलूँगा, लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल। प्रमोशन पहले होती है, उसके बाद करनी है। एंड भाई आप मेरे को बता दो, एक बार बताओ जो ये आपकी स्कॉर्पियो ये कौन सा मॉडल है? जैसे मैंने पहले बता दिया बट फिर भी आप एक बार बता दो भाई। इसमें ना यूनिकनेस ये है कि ये स्कॉर्पियो M2DI है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये ना एक बेस मॉडल आता था जिसमें कि बलेरो टाइप इंजन है इसमें, मतलब तो इसका वेरिएंट M2DI है। इसका मॉडल 2009 है और बाकी फर्स्ट ओनर है, हमने फर्स्ट ओनर मतलब नई ली थी 2009 तो तब से वही चला रहे हो जी। और इसमें भाई आपने कौन सी मॉडिफिकेशन करवाई है अलॉय व्हील्स के अलावा? मॉडिफिकेशन सबसे जैसे फ्रंट से आई है। हाँ, फ्रंट पे इस मॉडल में जो है बम्पर ब्लैक आते हैं बिल्कुल बेसिक रो, ये मेरे पेंटेड है, ठीक है। मैंने वैसे पूरी गाड़ी ओवरऑल पेंट कराई हुई है। इसका कलर वैसे वाइट ही था, ये बोनेट तक का हुड तक का वाइट होता कलर। हाँ। नीचे का ये ब्लैक होता। हाँ। उसमें ग्रिल पेंट हुई है मेरी और ये बम्पर पेंट हुआ है। हाँ। फोग लैंप एक्स्ट्रा लगे हैं। हाँ। और हेडलाइट्स भी मतलब चेंज हुई हैं इसमें, ये DRLs भी है यहाँ पे, ये भी बहुत कम गाड़ियों में है। उसके बाद अगर आप साइड में आओगे तो ये जो प्लास्टिक पैनल था ना, क्लैडिंग बोलते हैं उनको, ये इस मॉडल में नहीं आते थे, बिल्कुल रॉ बॉडी होती थी। ओके, तो ये बिल्कुल ऑल्ट्रेशन प्रॉपर कराई है लॉक सिस्टम पे, ये नहीं कि कोई पेंच अटका दिया या जुगाड़ू काम कोई नहीं है, प्रॉपर फिटिंग पे में काम हो पड़ा है। उसके बाद बैक पे आ जाओ आप एक बार। तो ये जो लाइट्स है इसकी, ये वाली जो, ये इसी मॉडल में आती थी या फिर S10 की लाइट्स है? स्कॉर्पियो S10 आती थी, उसमें ना पूरी वाइट आती थी। ये ना आप ध्यान से देखोगे तो रेड फिल्म हुई पड़ी है इसके ऊपर, ये मैंने खुद मतलब कस्टम की हुई है इसी की, ये बिल्कुल S11 वाली बन गई है, क्योंकि पहले मैंने वो रखी थी क्योंकि उस टाइम पैसे लगाने वाली आ नहीं रही थी। बैक लाइट चेंज है, डी पिलर लगवाए हैं और ये भी बम्पर पेंटेड है, ये सारा क्लैडिंग वगैरह एक्स्ट्रा, और शीशे रेड ब्लैक जो रहने वाले सारे करते हैं जी। ये M2DI ये वाला वर्जन है, ये M2DI मैंने स्पेशली लगाया, इसमें बैजिंग थी नहीं, वैसे मैंने जानबूझ के लगाया था कि थोड़ा लोगों को जस्टिफाई हो कि ये कुछ यूनिक है। ओके, क्योंकि बहुत रेयर दिखता है। और जो ये इसके जो अलॉयज है, पहले सबसे पहले ये पूछूंगा इसके अलॉयज का जो खर्चा है वो कितना हुआ है, फिर बाद में पूछूंगा इसमें क्या क्या है। पहले टोटल ओवरऑल खर्चा इसके जो अलॉयज का, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सेकंड हैंड परचेज किए हैं, पर सेकंड हैंड में भी ऐसा है कि 1500 चले हुए थे, जिन्होंने उतरवाए थे उन्होंने चंडीगढ़ के कारण उतरवाए थे, कि चंडीगढ़ में जैसे कि आपको पता है दिक्कत आती है, तो ये 1500-1500 किलोमीटर चले हुए। ये स्टेप वाले दिला, आप इधर आके ध्यान से देखोगे ना, इसमें ना यहाँ के बाद एक स्टेप आता है, जैसे यहाँ से ऊपर एक स्टेप आ गया ना। हाँ जी, इसके कारण व्हील थोड़ा छोटा तो हो गया पर इसमें स्ट्रेंथ बढ़ गई इसकी, तो इसलिए कॉस्टली होते हैं थोड़े से। वैसे तो ये रेप्लिका है ओडी का, ओडी में ओरिजिनल ये डिज़ाइन आता है, बट ये रेप्लिका है, ओरिजिनल अलॉय नहीं है। इसकी टायर की प्रोफाइल है इसमें 295/40 ZR22। 22 इंच इस गाड़ी में बहुत रेयर है,
रेयर इसलिए क्योंकि इसका जो आगे सस्पेंशन सिस्टम है ना उसको हम ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं कर सकते। ये मैंने 1.5 इंच उठवाई हुई है विद रबड़ वाले हमारे स्पेसर्स होते हैं उससे मैंने उठवाई हुई है। और बेसिकली इनका खर्चा मेरे को सेकंड हैंड का 96,000 आया विद स्पेसर्स। विद स्पेसर्स इसमें क्योंकि ना कन्वर्टर इसमें ओके बोलिए इसमें जो हब है वो बलेरो सफारी वाली होती है पुराने वाली तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये PCD कन्वर्टर लगता है। ओके तो इसमें भी कोई कटिंग वगैरह भी करवाया होगा। कटिंग भाई आप देखो सारी गाड़ी कटवाई हुई है मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी कटी हुई है नहीं तो यहाँ तक बिल्कुल कवर होता है। यहाँ से भी आप बम्पर देखो कटिंग है मेजर कटिंग लॉस हो गया। पीछे इतना काम नहीं हुआ कटिंग वगैरह का क्योंकि पीछे इतना इशू नहीं करते यहाँ पे टर्निंग का चक्कर होता है इसलिए हमें ये कटिंग करानी ही पड़ती है मैंडेटरी है। तो उसके बाद अपना जो स्पेसर डाल के उसके बाद इसमें क्या करवाया कटिंग के अलावा अलॉयस के लिए? उसके अलावा तो बस उठवाया और मैंने फुटस्टेप्स आप देख लो पहले से उतारे हुए हैं ताकि थोड़ी और ऊंची लगती है। अब जैसे मैं देख बैठ मैं खड़ा हूँ आप दूर से व्यूवर्स को दिखा भी सकते हैं कि मेरे बिल्कुल हाफ यहाँ तक आते हैं मतलब ये वीडियो में जस्टिफाई नहीं होता कि कितने बड़े हैं वैसे बहुत बड़े हैं टायर्स कितने बड़े बड़े हैं ट्रक के टायर लग रहे हैं। बस ये है कि इसको जो देखता है ना वो देखता ही रह जाता है इसलिए ज़्यादा बाहर भी नहीं है कई बार होते हैं लोग ज़्यादा टायर बाहर निकलवा लेते हैं वो थोड़े ओवर लगते हैं। अब देखोगे दोनों सिमेट्री में ज़्यादा ये नहीं कोई आगे वाला ज़्यादा 2 इंची नहीं ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं पता एक दो दो इंची तो होगा हाँ। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है मैंने सिनेमैटिक्स आप देख लेना बीच में मैं सिनेमैटिक्स डाल दूंगा। बाकी इंटीरियर का मॉडिफिकेशन अभी होनी है इंटीरियर में काम होना है बाकी म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। म्यूजिक सिस्टम में इन्फिनिटी की बेस ट्यूब लगी हुई है और एंड्रॉइड स्टीरियो लगा हुआ है JBL के कंपोनेंट लगे हुए हैं। सो गाइस आपने इसका जो बेस वगैरह तो देख लिया एक बार ये भैया इसको ना स्टार्ट करके दिखाओ इसकी जो इंजन की साउंड है वो कैसी आती है। इसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हो गया कुछ भी इसमें पावर विंडो नहीं है ये बिल्कुल रो गाड़ी है जैसे मैं बता रहा हूँ बेस मॉडल गाड़ी है ये। अब इंटीरियर से जज मत करना इंटीरियर में डैशबोर्ड वगैरह हम चेंज करेंगे नया S11 वाला। अब जैसे कि छत वगैरह भी देख ही रहे हो छत पे भी बहुत काम होना है सीट कवर्स वगैरह भी चेंज होंगे। बाकी मैं बेस आपको दिखाता हूँ एक बार म्यूजिक सिस्टम और स्टार्ट करके दिखा दीजिए आवाज़ से जज मत करना बस ये इंजन थोड़ी आवाज़ करती है। अरे भाई इसी आवाज़ के तो फैन है लोग मतलब मैं कहता हूँ जो छोटे होते हैं ना उनकी आवाज़ अच्छी ही लगती है चाहे वो बुलेट हो चाहे जीप हो ट्रैक्टर हो ये चीज़ें ऐसी ठीक है कहीं कहेंगे कि यार भाई गाड़ी साइलेंट अच्छी लगती है साइलेंट ऐसा कुछ नहीं है भाई अपना अपना है मेरे को मैं लाइक बचपन से चला रहा हूँ इसको मेरे को पता है मेरे को सही लगती है। सो गाइस अभी इसका नाम साउंड एक बारी साउंड सिस्टम सुनते हैं अपने एक बारी इसकी इंजन की आवाज़ तो चेक कर ली है जिसका जो बाइक गाड़ी की आवाज़ है मतलब पुराने इंजन है तो हैवी इंजन है तो आवाज़ तो होगी एक बार इसका साउंड सिस्टम चेक करते हैं। इसमें ये आई थिंक 12 इंच की LCD लगी हुई है जो 10 इंच की भाई 10 इंच की LCD लगी हुई है जो आफ्टर मार्केट है तो अभी इसका सिस्टम भाई बहुत बेस है इसकी यार इन्फिनिटी की बेस बहुत जबरदस्त है यार साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगा भाई साउंड बंद करना मतलब यार इतना रिफाइन है ना इसका म्यूजिक सिस्टम मतलब कोई मतलब ये नहीं है कि बेस फट रही है या कुछ भी है मतलब बिल्कुल इतना रिफाइन है ना बिल्कुल हाँ अभी हम इसमें म्यूजिक में बहुत कुछ अपग्रेड करेंगे हाँ बाकी इंटीरियर जब अपडेट होगा तो बाकी उसकी भी करी फिर लेंगे इसका रिव्यू लीगल मॉडिफिकेशंस में तो सारा कुछ आई हाँ स्कूटर लगा हुआ पर वो बंद हो गया किसी रीजन और भाई मैंने एक बार पूछनी थी जो इसकी नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं ये वाली मतलब ये वाली मेरे को नंबर प्लेट्स ना कुछ अलग सी लग रही हैं ये किसका क्या राज है इसका जो ये देखने में IND है तो प्रॉपर एम्बोस्ड है स्टिकर वाली नहीं है पर ये थोड़ी इलीगल में इसलिए आती है क्योंकि ना इसमें आप देखोगे गैप नहीं है वैसे ऐसे होता है HR के पास स्पेस होता है 58 के पास स्पेस होता है A के पास स्पेस होता है ऐसे होता है नंबर ताकि पूरी नंबर प्लेट में वो नंबर एडजस्ट हुआ होता है तो ये थोड़ा लुक देने के लिए ये कस्टमर वही है कस्टमर वही बाहर से बनी हुई है इसमें हमने विदाउट फ्रेम्स लगाई है तो विदाउट फ्रेम के साथ ना थोड़ा वो ब्लैक बॉर्डर वाइट गाड़ी पे अजीब सा लगा बट यार बहुत सही लग रही है नंबर प्लेट्स इसका वो चलान वगैरह तो नहीं है
इलीगल ही है वैसे तो, ऐसा नहीं है बट चंडीगढ़ में तो आपको पता ही है, चंडीगढ़ में तो कुछ भी हो जाता है, चंडीगढ़ में क्या दिक्कत है हमारा, चंडीगढ़ में टायर और सब चीज इलीगल ही है, इलीगल ही है बस ये चंडीगढ़ वजह से ही है। बाकी एक बार आपने इसकी साउंड सुन ली है, इस म्यूजिक सिस्टम साउंड सुन ली है, गाड़ी की साउंड भी आपने सुन ली है एक बारी, एंड बाकी आप सिनेमैटिक्स चेक कीजिए। एक बात बताओ भाई, मैंने एक बात तो आपसे पूछनी थी, जो आपकी जो गाड़ी है अलॉय व्हील्स के अलावा आपने इतना इसके ऊपर कितना खर्चा कर दिया अलॉय व्हील्स के अलावा भाई? अगर अरे हर एक चीज़ का बताऊँ, हाँ ऑल ओवर बता दो, बम्पर्स ग्रिल्स जो भी आपने चेंज करवाई इसकी, पेंट वगैरह का। अगर एक ही वर्ड में बताऊँ तो मैंने ये अलॉय्स डलवाने से पहले इस पे 2 लाख प्लस लगाए हुए हैं, 2.5 तक लगाए हुए हैं, इसमें की बॉडी वर्क, बॉडी पेंट, इंजन वर्क सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद अभी ये जो अलॉयज वगैरह हुए हैं और उसके बाद भी जो मॉडिफिकेशन हुई हैं वो अलग हैं, अलग हैं। मतलब आइडिया है कि जब से ये गाड़ी लिया उससे अभी तक अगर हम देखें तो ना करते भी 3.5 तक 3.75 लाख रुपए मॉडिफिकेशन पे कर दिए यूज़। जो ये वाले अलॉयज हैं, मेरे को ये अलॉयज बहुत अच्छे लगे आपके, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको नए अलॉयज की। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हाँ? ये जो अलॉयज मैंने बताया आपको 96,000 के, हुँ? ये न्यू अलॉयज 2.5 लाख रुपए के हैं, वो हमें ड्रिल अच्छी मिल गई तो हमें सेकंड हैंड भी अच्छे। जो इसके पहले वाले अलॉयज थे वो बात बीच में नहीं, पहले वाले अलॉय भी आफ्टर मार्केट थे, वो भी 15 इंच में मैक्सिस वाला टायर जो हम बलैरो सफारी में डालते थे, हाँ? वो वाला था, तो उसका भी रेट नहीं था, वो टायर खराब हो गया था, टायर खराब हो गए थे। बाकी जो लाइट्स अंदर एक्स्ट्रा लगी हुई है वो अलग है, अंदर फ्लैशर वगैरह लगे हुए हैं, रूट्स लगे हुए थे वो मैंने उतार दिए हैं चलान के कारण, अब मैंने क्रेटा टाइप और लगाए हैं। उसके बाद अंडर बॉडी लाइट्स लगी हुई हैं पर्पल कलर जो कि आजकल ट्रेंड में है, ट्रेंड में यहाँ पे कर दो। और इसमें रूफ रेल्स भी नहीं आती थी, ये भी एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, और ये बोल्ट ऑन है, ये डबल टेप से नहीं लगी हुई, ये स्पॉइलर आफ्टर मार्केट है, डी पिलर आफ्टर मार्केट है, लाइट्स बाद में लगी हुई हैं, अलॉय व्हील्स हो गए और कस्टम प्लेट्स हो गई। एक और यूनिक चीज बताता हूँ, ये 9 सीटर गाड़ी है, 9 सीटर गाड़ी है, ये 9 सीटर एक बार खोल के बता दें, इसमें दो सीट होती है, वैसे इसमें लगी होती है, हाँ मतलब ये साइड्स में दो सीट ये हैं, टोटल 9 सीटर है, 2 2 4 3 और 2 9 सीटर।